तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शीरिन। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, त्रिपुरा से माणिक साहा होंगे अगले मुख्यमंत्री। माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया है, तो माणिक साहा के नाम पर मुहर लग गई है। विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में माणिक साहा को नेता चुन लिया गया। आज शाम को ही विप्लव देव ने अपना इस्तीफा दिया और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा होगा, कौन सा वो नाम होगा जिस पर सहमति बन पाएगी, तो अब वो नाम साफ हो गया है। यहां पर माणिक साहा त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की जानकारी इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपको दे दें। और साथ ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है माणिक साहा को, यानी कि अगला मुख्यमंत्री त्रिपुरा का माणिक साहा होंगे? निश्चित तौर पर श्रीन, ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमने दर्शकों को बताई थी कि जो त्रिपुरा में घटनाक्रम राजनीतिक देखने को मिला, मुख्य तौर पर विप्लव देव जो अब पूर्व मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं, उन्होंने देर शाम को गवर्नर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। और शाम 5 बजे जो बीजेपी की तरफ से 2 ऑब्जर्वर को त्रिपुरा भेजा गया था, जिसमें केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ये 2 लोग मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में विधायक दल की बीजेपी की बैठक हुई। और जो अभी जानकारी सामने निकल कर आ रही वो ये है कि विधायक दल का नेता डॉक्टर माणिक साहा को चुन लिया गया है और विप्लव देव के साथ ही वो कार में बैठकर फिलहाल गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जो है वो पेश करेंगे। जी ठीक है, आप रहिएगा रौनक इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ। विकास भदौरिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, माणिक साहा पर एक सहमति बन पाई और विधायक दल का नेता चुन लिया गया, क्या और डिटेल्स हमारे पास? बिल्कुल, देखिए, अब से करीब 15 मिनट पहले बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जो कि इस बैठक का हिस्सा था, उसने फोन करके खुद ये जानकारी दी कि माणिक साहा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मैं आपको बता दूं कि विप्लव देव के खिलाफ पार्टी के विधायकों के बीच खासा बड़ा असंतोष था, और इस असंतोष को दबाने के लिए बीजेपी ने पिछले साल अगस्त महीने में वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार किया था, जिसमें 3 से 4 मंत्रियों को जगह दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद इस असंतोष को कवर अप नहीं कर पाए मुख्यमंत्री विप्लव देव, और लगातार जो असंतोष की चिंगारी थी वो भड़कती रही। आखिरकार बीजेपी नेतृत्व को अब जब त्रिपुरा में चुनाव में 10 से 11 महीने बचे हैं, उस वक्त ये फैसला लेना पड़ा कि अगर ये असंतोष यूं ही धधकता रहा तो फिर सरकार की वहां पुनर्वापसी कराना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि विप्लव देव को अब मुख्यमंत्री पद से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, और डॉक्टर माणिक साहा, जो कि इसी मार्च में राज्यसभा के लिए चुने गए थे त्रिपुरा से, पहली बार बीजेपी का कोई नेता राज्यसभा के लिए त्रिपुरा से चुना गया था, अब उनको राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा और विधानसभा चुनाव लड़के उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठना होगा। लेकिन उससे पहले जो औपचारिक प्रक्रिया है वो आज पूरी हो गई, विधायक दल का उनको नेता चुन लिया गया। अब से थोड़ी देर बाद वे जाएंगे और विधायक दल के नेता चुने जाने का पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, और उसके बाद राज्यपाल की सहमति के साथ उनके शपथ ग्रहण की तारीख और समय संभवतया कल दोपहर में 11 बजे के आसपास का निश्चित हो जाएगा। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विकास ने पूरी तफसील से ये जानकारी दी कि किस तरह से आखिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि विप्लव देव पर जो संकट के बादल है उनके नाम को लेकर काफी समय से चल रहे थे, पार्टी के भीतर जो एक असंतोष था उसे दूर करने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए विप्लव देव, जिसके बाद इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। लेकिन आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 4 अलग-अलग राज्यों की तस्वीर, किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब संकट आया तो चेहरा बदलना पड़ा, चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक में आप देखिए येदियुरप्पा की जगह बसवराज ने ली, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी यही तस्वीर सामने आई थी, और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में भी एक ऐसा रास्ता निकाला गया और उस रास्ते से जो चेहरा निकला जिस पर एक सहमति बने वो माणिक साहा, जो कि अब मुख्यमंत्री अगले चुने जाएंगे, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और अब डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर आप जानेंगे। माणिक साहा त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री, कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा क्यों दिया? एबीपी न्यूज के अब कुछ सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जरूर हर कोई जानना चाहेगा। क्या बीजेपी का त्रिपुरा मिशन फेल हो गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल यह भी कि क्या एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए इस्तीफा हुआ है, जैसा कहा जा रहा था कि क्या गुटबाजी के शिकार हो गए विप्लव देव और उस गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहे और एक रास्ता जो बचा था वो इस्तीफा ही बचा था? क्या विप्लव के जो बिगड़े बोल हैं वो इस्तीफे का कारण बने?
कई बार जिस तरह से वो विवादित बयान देते रहे, तो क्या वही उन्हें इस संकट की तरफ लेकर गया और इस्तीफा उन्हें देना पड़ा? तो बिप्लब देव से असंतोष थे, कई पार्टी के भी जो नेता है, जो विधायक है, वो भी काफी असंतोष दिखाई दे रहे थे और यही तमाम बातें रही जो इर्द गिर्द घूमती रही और इस्तीफा आखिरकार उन्हें देना पड़ा। बिप्लब देव के इस्तीफे के मायने आप समझिए। पूर्वोत्तर में बीजेपी को बड़ा झटका है ये, साथ ही गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड के बाद चौथा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल पूरा होने से पहले चौथे राज्य का सीएम बदला गया है और पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में जिस तरह से चेहरा बदला गया वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल जरूर खड़ी करेगा। और एक और राज्य में क्या गुटबाजी का शिकार हुई है बीजेपी, यानी अंदरूनी गुटबाजी की वजह से ही इस्तीफा हुआ है। 2023 से पहले पूर्वोत्तर में ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव अब पार्टी को किस तरफ ले जाएगा, किस तरह की मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ये तमाम सवाल अब इस पूरे फेरबदल के बाद उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।